बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक पहलवान रेसलर का वाक्या सुनाता हूँ, उम्मीद है आप ज़रूर पसंद फरमाएंगे। एक पहलवान को कुश्ती के 360 दाव आते थे। हर रोज़ एक दाव के साथ कुश्ती लड़ता था। इत्तफाक से एक शागिर्द उसको प्यारा लगा और उसने एक के अलावा सारे दाव सिखा दिए। शागिर्द गुरूर में आ गया और दावा कर दिया कि पूरे मुल्क में अब कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। उस्ताद भी सिर्फ उस्ताद और बुजुर्ग होने की वजह से काबिल एहतराम है, वरना ताकत के लिहाज से मैं आगे हूँ और फन के लिहाज से उसके बराबर हूँ। बादशाह को खबर पहुँची तो उसे बहुत अफसोस हुआ। आखिरकार उस्ताद शागिर्द की कुश्ती का ऐलान करा दिया और वसी मैदान सज गया और हुकूमती सतह पर कुश्ती का इंतज़ाम हो गया। अखाड़े में बादशाह समेत तमाम वज़रा और उमरा जमा हो गए। लड़का मस्त हाथी की तरह ऐसे मैदान में निकला कि अगर कांसी का पहाड़ भी सामने हो तो उठाकर फेंक दे। उस्ताद समझ गया कि ताकत में तो मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। चुनाचे वही एक दाव जो संभाल के रखा हुआ था उसके साथ टक्कर ली और दोनों हाथों पर उठाकर ज़मीन पर पटका के मारा और चारों शाने चित करा दिया। अब लड़के के पास उसका कोई तोड़ ना था। परेशान हो गया, तमाशाइयों ने शोर मचा दिया। बादशाह ने उस्ताद को इनाम दिया और लड़के को खूब झिड़का और खूब मलामत की। तूने अपने मोहसन व मरबी के मुकाबले में दावा कर दिया, तुझे शर्म आनी चाहिए थी, तुझसे हो भी कुछ ना सका। उसने कहा, ए जहान के बादशाह, ताकत की वजह से मैं नहीं हारा, बल्कि वही एक दा जो मुझसे उस्ताद ने छुपाए रखा वो मेरा काम कर गया। उस्ताद ने कहा, ये दाव इसी दिन के लिए मैंने छुपा रखा था क्योंकि अकुलमंदू ने कहा है कि दोस्त को उतनी ताकत ना दे कि अगर वो दुश्मन बन जाए तो तुझ पर काबू ना पा ले। एक शख्स जिसने अपने ही परवरदा से बेवफाई देखी तो उसने उस वक्त कहा, या तो दुनिया में वफा का वजूद ही नहीं या फिर शायद किसी ने की ही नहीं। मुझसे किसी एक शख्स ने भी तीर अंदाजी नहीं सीख ली, मगर अंजाम का उसने मुझे ही निशाना बनाया। दोस्तों, इस वाक्य से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान को चाहिए कि जिस शख्स से कोई कमाल हासिल किया है, अगर उस कमाल में अपने उस्ताद से बढ़ भी जाए तो कभी उसके मुकाबले में ना आए और हमेशा उसका एहतराम मलहूज रखे। अगरचे उस्ताद को बुखल करना जायज़ नहीं है, लेकिन दुनिया की बेवफाई के पेश नज़र ये बात वो भी जहन में रखे कि आज का शागिर्द कल को मेरे साथ भी उस्तादी कर सकता है।